बिल्कुल। और ये परिणाम कैसे आए यह भी समझना पड़ेगा सर। पिछले दिनों आपने काली भेड़ की चर्चा की थी इलेक्शन कमीशन की, कि कैसे इलेक्शन कमीशन में काली भेड़ कौन है, इस पर सवाल उठाया गया था। और हम लोगों ने उस दिन इस पे विमर्श भी किया था कि ये काली भेड़ कौन है। आज सोशल मीडिया पर कुछ चीजें वायरल हो रही है कि आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एकाएक उन्होंने अपने ट्विटर से कुछ फॉलोअर्स को गायब कर दिया। पता चला कि वायरल हो रहा है कि ये जो है ये फॉलो करते थे इलेक्शन कमीशन को, राहुल गांधी को, मोहम्मद जुबैर को, ऑल इंडिया रेडियो को। अब जो है इन्होंने अब हटा दिया है, राजीव कुमार जी ने, और अब दिखा रहा दूसरे जगह पे कि सिर्फ किसी को ये फॉलो नहीं करते, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फॉलो करते हैं। और हम लोगों ने जो उस दिन विश्लेषण किया था, जिस चीज पे चर्चा हुई थी, जरा सा उसको हम लोग सुन लें। मैंने डाला बनी जी, पूरा डाल दिया, पूरा आ गया। वीडियो पढ़ा है या ये पूरा नहीं है संभवता, उसको पूरा पढ़ा है कि दर्शक ये समझ ले कि मनीष जी तब तक लगा रहे वीडियो कि हम लोगों ने इस बात को 26 अप्रैल और 5 मई को कहा था। और अब जब आगे की देश के प्रधानमंत्री कोई आदमी फॉलो नहीं करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त, देश के गृह मंत्री को नहीं, देश की राष्ट्रपति को नहीं, ये मोहम्मद जुबैर और राहुल गांधी को फॉलो कर रहा था। जरा सोच लीजिए कि कितना कट्टर कांग्रेसी है या कितना कट्टर मोदी विरोधी है। वो तो मैंने मोदी जी डाला, इसके नीचे होगा ये देख लीजिए, हम लोगों ने 5 मई को क्या कहा था। अभी 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन का सर फाइनल आंकड़ा आया, आपने भी देखा होगा और कई व्यूअर्स ने भी मुझे साझा किया। अब इस फाइनल आंकड़े में यह बताया गया कि फर्स्ट पेज और सेकंड फेज का, सॉरी फर्स्ट पेज अभी तो खैर रायबरेली का है, फर्स्ट पेज और सेकंड फेज का जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 62% के आसपास है। उसको लेकर के अब एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगा है, एक खेल किया जाने लगा है कि ये जो आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन इतनी देर बाद क्यों दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ खेल हो रहा है, ये कुछ ना कुछ साजिश है। इको सिस्टम अब इस स्तर पर क्यों लग गया सर? नहीं मनीष जी, इको सिस्टम पे तो अभी आता हूँ बाद में कि ये तो कि अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव आयोग है, इससे शिकायत तो है। दर्शकों को याद होगा जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट कह रहा हूँ, जिस दिन काउंटिंग खत्म हुई, पोलिंग खत्म हुई, वोट पड़ गए, तो हम लोगों ने यही कहा था कि अभी जो है 2-3 दिन लगेंगे इसके अंतिम आंकड़ा आने में, और उसके बाद ही सही स्थिति क्लियर होगी। अभी एक अपना एक अनुमान हम लोग बता रहे हैं, असली सही आंकड़ा आ जाए उसके बाद बात करते हैं। और ये पहले चरण के बात की थी और उसका 11 दिन बाद ये आंकड़ा आ रहा है। मनीष जी, मैं अभी इन खैरातियों को चारा कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है, ये चुनाव आयोग में जो बैठे अधिकारी हैं इनमें काली भेड़े कौन है, ये जरा हम लोग की बात अगर पहुंची है तो पहले सरकार उसको तय करे। अभी खैरातियों की तो भी इनकी धज्जी उड़ जाएगी, ये जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन मनीष जी, उस दिन भी मैंने कहा था, जब हम लोगों ने कम वोटिंग की बात की थी, कि 7 चरण के चुनाव में मतलब 7 दिन वोटिंग होनी है, उनमें 6 दिन ऐसे हैं जहां 3 दिन छुट्टियां हैं। जाहिर सी बात है, पूरा मौका है कि तुम गायब हो जाओ, अपने काम निपटाओ। तो ऐसी छुट्टी, एक तो इस दिन पोलिंग तय करने वाला वो कौन अधिकारी है, किसका ये मास्टरमाइंड काम कर रहा है, और दूसरे मनीष जी 11 दिन बाद, यानी पहले चरण के लिए कितने वोट पड़े इसका आंकड़ा देश के सामने 11 दिन बाद प्रस्तुत कर रहा है चुनाव आयोग। निश्चित इनसे पूछताछ होनी चाहिए, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, पूछताछ नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये कौन सी भांग खाकर ड्यूटी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। ये 2-3 दिन का लगता है समय, क्योंकि आती है पोलिंग पार्टी आती है अलग अलग गाँवों से, अलग अलग इलाकों से, और उनका कंपाइल करने में 2-48 घंटे माना जाता है। लेकिन ये पहले चरण का आंकड़ा देने में इनको 11 दिन क्यों लगे? मनीष जी, ये साजिश के तहत लगे, ये साजिश के तहत लगे। और ये जो 8 की तारीख में ठहराती है, अपना चला रहे हैं चारा, एक अभियान चला रहे हैं, पूरी चुनावी प्रक्रिया को जो लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, वो मौका देने के लिए चुनाव आयोग ने 11 दिन लगाए। मेरा सीधा सीधा आरोप है, और चुनाव आयोग के अंदर कोई काली भेड़े बैठी है जिन्होंने जानबूझकर मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए और विपक्ष को खासकर इन खैरातियों को मौका देने के लिए ये 11 दिन लगे। मनीष जी, इनको पहले चरण का चुनाव, पहले चरण में कितने वोट पड़े ये बताने में इनको 11 दिन लगे, ये असंभव है, और ये सिवाय षड्यंत्र या साजिश के दूसरा कोई काम नहीं है। बिल्कुल, ये 26 अप्रैल का है जो हम लोगों ने 26 अप्रैल को किया। और आज देखिए ये चीजें आ रही है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, फेक न्यूज फैलाने वाले मोहम्मद जुबैर को एक्स पर फॉलो करते मिले मुख्य चुनाव आयुक्त, जनता ने रगड़ दिया, अब राहुल गांधी को भी कर दिया अनफॉलो। ये नहीं, मनीष जी देखिए, 28 जुलाई की खबर है।